राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो चाहे वो सत्ताधारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो उनको भी जाने दो, आप अपनी भी सोचो। आप सोचो कि आपकी प्रशंसा आपकी बहू दिन रात करे तो बहुत मुश्किल है, एकाध ना एकाध बार वो निंदा करे भी कर रही नहीं सकती। आप सोचो कि आपकी सास आपकी हमेशा तारीफ ही तारीफ करे तो एकाध बार वो निंदा करे भी कर रही नहीं सकती। एक सास तो गजब का काम कर गई, एक सास ने तो पशुपति व्रत करा था भगवान का, उसने पत्र भी लिखा था नोएडा दिल्ली में, आप लोगों ने सुना होगा उस पत्र को। सास ने व्रत करा और व्रत करने पर सास ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपका व्रत कर रही हूँ, कृपा करना। सबकी सास है, सबकी बहू है, सब सास अपनी अपनी बहू की निंदा करती है, मेरे घर में कोई बहू नहीं है, मैं किसकी निंदा करूं, मैं निंदा किसकी करूं। तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने भगवान से कहा कि ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी एक बहू दे दो जिसकी मैं निंदा कर सकूं, जिसकी मैं निंदा कर सकूं ऐसी बहू दे दो। अब प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, पर इतना याद रखना कि प्रशंसा वाले भले एक ना एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे, पर निंदा वाले कभी जिंदगी में तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर। प्रशंसा वाले भले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, वो बदल सकते हैं, पर निंदा वाले कभी नहीं बदलेंगे। निंदा वाला निंदा करने पर आखिरी तक भी उसके प्राण छूटेंगे तब तक भी वो निंदा ही करेगा, चुगली वाला चुगली ही करेगा, वो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। आप उसको निकाल कर सोने का कोरा भी दे दोगे, हार भी पहना दोगे, शाल भी उड़ा दोगे, कम्बल भी उड़ा दोगे, अच्छे कपड़े भी दिला दोगे, तो भी वो प्रशंसा नहीं करेगा, निंदा ही करेगा, निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे, दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों चल दिए भ्रमण की ओर, आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, भ्रमण करते करते एक वन में एक जंगल में प्रवेश करे, अब उन्होंने जंगल में वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर वन में प्रवेश कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया। पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज़ बढ़वा दीजिए, पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज़ बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज़ जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी,
माता पार्वती जी ने भगवान रेवती देव महादेव को देखा, गुंजाय कम करो, गुंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है, फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है, पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है, पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है, ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती है। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला। माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तुप्त हो गई, थोड़ी देर खड़ी रही। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है आप लोग आवाज शोर ना करें, 3 घंटे की कथा को शांति से आप लोग सुने, जो लोग जहां हैं वो वहीं बैठ जाएं, कोई आगे आने का प्रयास ना करें, जहां पर हैं आप लोग वहीं बैठ जाइए। पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा, बमूल का अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा और पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए, प्रभु आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है, केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है इसमें कोई फल नहीं आता, इसमें कोई फल नहीं, इसमें कोई फल नहीं, केवल एक बमूल का वृक्ष ऐसा है कि जिसमें फल की कोई प्रतिभा नहीं दिखती, फल की कोई प्रतिभा नहीं, केवल एक वृक्ष यही ऐसा दिख रहा है जिसमें फल नहीं दिख रहा, फल न चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चाहती क्या हो वो बताओ हमको, तुम क्या चाहती, आप चाहती क्या हो वो हमें बताओ, क्या चाहते। देवाधिदेव महादेव ने कहा बोलो पार्वती आप क्या चाहती हो। पार्वती जी ने कहा बस मैं इतना चाहती हूं कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं तो आम को लोग सम्मान देते हैं, जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं, इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं, संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं, कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है, देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो, 100-100, 200-200, 500-500 रुपए खर्च कर आते हो
दिन भर इंतजार करते हो कथा का, धूप भी नहीं देखते, उस धूप में भी बैठे रहते हो, तो कथा को एक सेकंड की भी चूकने मत दो, दिल से सुनकर बाबा से प्रार्थना करके जाओ, एक सेकंड की भी, एक सेकंड की भी वो कथा ना जाए। कोई आपको अगर कष्ट दे रहा है, बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके पांव पड़ कर कह दो, तू बैठ जा, हमको कथा सुन लेने दे, बहुत दूर से आए हैं, तेरा क्या है, तू तो मंडराता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमको कथा का रास्ता। देव और महादेव में अंतर कितना है, देव और महादेव क्या कर सकते हैं, वो समझने वाला विषय है। आम के पेड़ में आम लगा इसलिए सम्मान दिया, मौसम्बी के पेड़ में मौसम्बी लगी इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला, पर ये बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल, ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता, क्या बमूल को भी आदर मिल सकता, ये तो कांटे। आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। शिव जी ने कहा, पार्वती मैं क्या वर्णन करूं, दोनों के बाद संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया, श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद पधारे। देवऋषि नारद ने पूछा, आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम को आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है, ये बमूल में कोई फल नहीं है। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा, माँ देवी माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है, तो वो केवल एक है, नारद जी कहते हैं वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा, नारद तुम कैसी बात करते हो, बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं, मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है, मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है। बारह महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहेगी। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवदिदेव महादेव में है,
दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है, कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है, वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है, जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। एक पत्र आया है, बहन जी ने दिया है, मैं सपना दीपक पुरोधी सपले जिला न्यायाधीश शिवाजी नगर जिला जलगांव, मोबाइल नंबर मेरा ये है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पहली बार किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। मैं इसके पहले सरकारी वकील के पद पर थी और बाबा की कृपा क्या होती है मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मैं हमेशा जज बनने का प्रयास करती थी पर कुछ नंबरों के कारण रह जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला, तू शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर। मैं न्यायालय जाती, पढ़ाई करती, एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाती। मेरी तीन परीक्षा हुई, उस परीक्षा में मैंने बाबा को प्रणाम करा, बेलपत्र शहद का शिवजी को समर्पित कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। आज बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे एक लोटे जल का फल दिया और मुझे जज बना दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। जज तो मैं बन गई पर मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही थी गुरुदेव, आर्डर नहीं आ रहा था हाथ में। मेरी माँ ने कहा, तो चिंता मत कर, पशुपति नाथ के व्रत का स्मरण कर, एक बेलपत्री पर शहद लगा बाबा को विनय कर। मेरी माता के कहने पर मैंने वही किया और बाबा की कृपा से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूँ और बाबा की कृपा से मैं न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुई हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बहन। शिव तत्व ओघड़ी शंभु शंकर इसी को कहते हैं। दुनिया के लोग भले हंसे पर आपका विश्वास अगर पक्का है, दृढ़ी है, तो मेरा बाबा आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और वह आपका कार्य कर रहा है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा। हम दुनिया के लोगों के कहने पर भले भटक जाए, हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाए,
पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटने दो। वो बमूल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकार भी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे उस शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये उस एक पत्र और आया है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी, पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने 3री बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम करना चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया, कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे, सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर, और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिवजी को चढ़ा कर जाना। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया, उसको कहा खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया, उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिवजी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है माँ, क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट रुक गया, आया नहीं। बेटा टूट गया, मुझसे कहता है माँ देख तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है, अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे, बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण जावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये, कहीं आए हैं क्या? अच्छा, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा इसी को कहें, शंभू इसी को कहें। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित। हमने आपको एक बार पहले भी कहा कि भरोसा हर किसी पर मत करना। घर के लोगों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, परिवार पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, कुटुंब कबीले में भरोसा करोगे एक बार टूटेगा,
आसपास वालों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, पर मेरे शंभु पर किया गया भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो नहीं टूट सकता, वो टूटेगा ही नहीं। बोलबम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोलबम का नारा है बाबा एक साथ। ये भरोसे का शब्द है, मतलब हम बाबा के सहारे जी रहे हैं, हम बाबा के भरोसे जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी निंदा नहीं मिली? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई गई? संत तुकाराम जी को देखोगे तो लोग ने उन पर भी उंगली उठाई, संत ज्ञानेश्वर जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई, संत नामदेव जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई। जितने भारत की भूमि पर संत हुए, साधु हुए, बड़े बड़े जो पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े अहुदे पर पहुंच जाते हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, आप पर उंगली उठाई जाएगी। कोई बड़े पद पर बैठकर, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कलंत्री, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई महापौर, कोई नगरपालिका का अध्यक्ष हो, महापौर हो, अगर वो कोई शब्द कह दे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, या भगवान की भक्ति करो, या सनातन धर्म की बात कह दे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो उनके कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, उनके पांव खींचना चालू कर देते हैं। तुम क्या इस बात को पक्ष लेते हो? क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम तो उनका पक्ष ले रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। कोई के हमारे धर्म में आओ, हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, तुम हमारे से जुड़ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। भूखे रह लेना, 15 दिन खाना मत खाना, पर दूसरे धर्म में मत जाना, बिल्कुल ना मत जाओ। बड़ी मुश्किल से हमारा जन्म भारत की भूमि पर होता है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और बड़ी मुश्किल से शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल मिलता है। इसको छोड़कर कैसे जाएं? कैसे अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरा धर्म कैसे आए? शिव कथा कह रही है, वो शिव है, हार नहीं देता। राजा विक्रमादित्य का आपने चरित्र सुना होगा, जो शंकर का परम उपासक था, देवी का परम उपासक था। भारत की भूमि का पहला राजा था जिसकी मित्रता देवताओं से थी, राजा विक्रमादित्य। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारत की भूमि का पहला राजा था जिसके संबंध देवताओं से थे। उसके संबंध देवताओं से क्यों थे, किस लिए? क्योंकि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था और माता रानी की आराधना करता था। पार्वती जी की भी आराधना कर रहा और शिव की भी आराधना कर रहा। जो शिव और शक्ति इन दोनों की आराधना में लग जाता है, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार स्वयं देवता खुद बनने के लिए आते हैं और उसको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। आप इतने लाखों में लोग, लाखों में शिव भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं है, गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, जो दिन का नज़ारा है ऐसा कैसे ही रात का भी नज़ारा रहता है, ऐसा कैसे?
यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नातेदार नहीं है, कोई किसी का पहचान वाला नहीं है, पर जो 5 दिन कथा के पंडाल में रहता है, 7 दिन कथा के पंडाल में रहता है, उसकी पहचान इतनी हो जाती है कि घर के रिश्तेदार फीके पड़ते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। मैं जलगांव के ढोल वालों को नगाड़े वालों को डीजे वालों को मैं जलगांव के बैंड बाजे वालों को और यहाँ के आसपास के गांव की ढोलक पेटी की मंडलियों को यहीं से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, नमन। क्या दुनिया में किसी की शादी होगी ऐसा उत्सव रात्रि को देखने को मिलता है जब चारों तरफ डीजे और ढोल और बैंड और भजन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे, एंजॉय कर रहे, धन्यवाद। और उस बीच में लोडिंग में छोटे छोटे जो लोडिंग होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रक जैसे होते हैं लोडिंग गाड़ियाँ, उसमें भरा भरा कर सामान, कोई चाय बना रहा, कोई दूध केसर का, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ उस बीच में भरा भरा कर, चारों तरफ कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ बट रहा, ऐसा लग रहा जैसे बराती आ रहा। और जो जलगांव का व्यक्ति ये नजारा देख नहीं पाया, समझ लेना उसकी किस्मत ही बेकार थी, वो नहीं पहुंचा, किस्मत बेकार। वो 1000 बार जन्म ले लेगा तो नहीं देख पाएगा। इस जलगांव का कितना बड़ा सेठ होकर वो ये नजारा नहीं देखा तो बेकार बेकार। जिसने ये नजारा नहीं देखा वो गया, वो उसका जीवन ही बेकार है, फिर वो उसका जन्म, उसका जलगांव में रहना ही बेकार। मतलब वो जलगांव में रहा, समझ लो कुछ खो दिया उसने, हीरा खो दिया। ये नजारा नहीं देख पाया। इतने शिव भक्तों का आनंद, इतने शिव भक्तों की अलमस्तता, इतने शिव भक्तों की रात को 2:30 बजे भी एक जैसे भजन में आनंद लेना, भक्ति में डूबे रहना, दिन भर कथा सुनना, रात को कीर्तन करना, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के लो साहब चाय पियोगे, लो साहब दूध पियोगे। हम सोचते थे कि दिल्ली नोएडा के लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को खिलाया है, पर आज जलगांव ने सिद्ध कर बता दिया इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया, इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया। वो गाड़ियाँ भर भर के लो साहब पानी, लो साहब पाउ, लो साहब बाटल, लो साहब ये, लो साहब। अरे क्या हाथ जोड़ के धन्य है रे जलगांव वालों, नजर उतरवा लेना तुम्हारी, लो नजर उतरवा, धन्य आपकी शिव भक्ति, धन्य। और महाराज शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी, उसकी भक्ति सरल नहीं, उसकी भक्ति साजन। अब केवल एक दिन और रहा है आज की रात्रि, कल तो सवेरे 8 बजे से कथा होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे हम भी यहाँ से बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे, फिर 16 दिसंबर से वापिस अमरावती की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोगों के मध्य टीवी चैनल के माध्यम से फिर मिलना हो जाएगा। ये तो शिव भक्ति, मिला इस शरीर को मौका जो दिया। राजा विक्रमादित्य भारत की भूमि के वो राजा थे जिनकी मित्रता, जिनकी पहचान देवताओं से थी। उनकी पहचान कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, देव अधिदेव महादेव थे। जो शंकर जी की भक्ति करता है उसकी पहचान दुनिया में हो जाती है, दुनिया में। चौधरी परिवार को कोई जानता था कि नहीं जानता था पता नहीं, पर इनने शंकर की भक्ति करी, शिव पुराण की कथा कराई, तो अब सब पहचान जाएंगे कि जगदीश चौधरी कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन है।
कौन पहचान? शिव की आराधना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाले को कभी कहीं नहीं जाना पड़ता, उसकी खुद आनंदता, उसकी मित्रता देवताओं से हो ही जाती है, उसका संबंध देवताओं से हो जाता है। और जितने यहां बैठे हो पंडाल में, जितने पंडाल के बाहर बैठे हो, जो गाड़ियों पर बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप शंकर की कथा में मन लगाए हो, आप चिंता मत करना, आपकी भी पहचान स्वयं देवदिदेव महादेव से है, आपका रिश्तेदार प्रबल है, आपका रिश्तेदार प्रबल है, वो शिव है, ओघड़ी शंभु हुआ है। सहज शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। अब देखिएगा जरा शिव तत्व को जानिएगा। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता था। राजा विक्रमादित्य चले जाता था। चले राजा विक्रमादित्य, इंद्र लोक में पहुंचे, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता कि एक बार मिले तो सही, आखिर है क्या। आखिर ये है कौन, इससे मिले। एक पत्र आया है, इस पत्र में एक लड़के ने लिखा, देखिए, श्री समाधान दौलत शुभ के, रंजना समाधान शुभ के, रहवासी देव पिपरी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था, मेरे बेटे ने मुझसे शर्त लगाई, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मां, 19 वर्ष की मेरी आयु है, क्या मेरी 19 वर्ष की आयु में क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? अगर तू महादेव का पूजन करती है तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करता हूं और देखता हूं महादेव क्या मेरी नौकरी लगा सकते हैं। मैं, गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक लोटा जल केवल मुझसे कंपटीशन करने के लिए और आपके वचन को जानकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है, उसने सुना मेरा बेटा 19 साल की आयु में गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी में चला गया और उसकी नौकरी चाली। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु। जो बेटा कह रहा है, जो बेटा कह रहा है कि शिव 19 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी दे सकता है,
आज मेरा बेटा अहमदनगर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी नौकरी लग गई है, 26/10/2023 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, मैं यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है ये, ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी। हो सकता है पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर क्या लाभ होता है, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, उज्ज्वला धीरज गोस्वामी गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील राहा शाहदा, जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर ये है, आप लोग पत्र में भी उसको पढ़ सकते हैं। बाबा मैं भोलेनाथ का क्या गुणगान करूं, मैं 3 महीने से हॉस्पिटल घूम रही थी, मेरे गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी, 3 डॉक्टरों ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, परिवार वाले सभी परेशान हो गए थे, मैं और मेरे पति हम धूलिया के निरामय हॉस्पिटल में आए थे, उस वक्त धूलिया में आपकी कथा चल रही थी, हम हॉस्पिटल से सीधे पंडाल में आ गए थे, वहाँ मेरे पति और मेरी माँ ने पंडाल में बाबा से विनती की मेरी बेटी के गठान मिट जाए, तभी बाबा, हमने बाबा से विनय कर वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया, प्रणाम करा और धूलिया के पंडाल में, हम हॉस्पिटल से सीधे धूलिया के पंडाल में गए, बैठकर हमने विनती करी, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हम कहते हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, हमारी सीधी डोर बाबा से बांध देते हो, हम बाबा से कहते हैं, मैंने बाबा से विनती करी, बाबा 15 दिन में डॉक्टर ने सोनोग्राफी करना है और मेरा ऑपरेशन करना है, केवल 15 दिन मेरे पास है, तब डॉक्टर ने 15 दिन की सोनोग्राफी के लिए मुझे वापस बुलाया और वहाँ पर चेक कराया, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ, जब सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा कि पेट में गठान नहीं थी, गल चुकी थी, डॉक्टर ने हमें तुरंत कहा कि 100 में से ऐसा केस पहला आया है कि जिसकी गठान इतनी जल्दी गल गई, तभी मेरी माँ ने संकल्प लिया था कि जहाँ कथा होगी गठान गलने के बाद मैं वहाँ पहुँचूंगी, हम बाबा के पंडाल में जलगांव में यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी पेट की जो गठान थी वो गल गई। शिव तत्व किसको कहते, ओघड़ी किसको कहते, शंभू किसको कहते, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता मूल है। मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आप सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, बैठे हैं, शिव भक्ति की कथा का लाभ ले रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, पर ये विश्वास मानकर चलना, आपको यहाँ तक लाने वाला ना तो सीहोर वाला महाराज है, ना चौधरी परिवार है, ना कोई है, आपको यहाँ तक पकड़ कर लाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव है, वो तुमको लेकर, और वो तुमको लेकर आया है तो कुछ अच्छा करने के लिए लेकर आया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लेकर आया, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, देवता भी इसका गुणगान करते हैं, आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है, 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर लिया, 2 क्षण। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं
जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत, इसको तो धूल चटा दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है, आप एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते रहो, शंकर का गुणगान गाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। मेरे बाबा के आप इतने करीब में रहोगे कि दुख तुम पर आएगा और आंख में आंसू मेरे बाबा के आएंगे, तुम्हारे दुख को देख, तुम्हारे दुख को देखकर आंसू मेरे बाबा की आंख में आएंगे कि मेरे भक्त को ये तकलीफ कैसे हो गई, मेरे भक्त को ये दुख कैसे आ गया, ये तकलीफ मेरे भक्त को। महाराज ओ मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हंसे तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर अब तो नटा, गिरी जा रही उठा। शिव कथा कह रही है, दुनिया कितनी भी तुमसे ईर्ष्या कर, कि दूसरा गाली भी देकर चले जाए तो तुम्हारा दिल छोटा ना हो जाए तो भी बड़ा के बड़ा रखे, बड़ा सबसे बड़ा दिल किसका होता है, जम के बोलो जल्दी से। दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है, मां का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल होता है माँ का। बहु गाली दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताने दे देती है, रोटी तक नहीं देती तो भी अपनी पूरी जेवर और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहु को देकर जाती है, वो माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल अपनी माता का होता है, माँ का दिल सबसे बड़ा दिल है। बहु बेटा पूछे ना पूछे तो भी प्रॉपर्टी जमीन और रकम सोना चांदी सब बच्चों को देकर जाती, मर जाती, छोड़ गई थी। बट कई माताएं ऐसी हैं जिनकी बहू रोटी नहीं दे रही तो हमने उनसे कह दिया, जब तुम्हारी बहू तुमको नहीं पूछ रही तो एक काम करो, पूरा जेवर और पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर को दे दो ना। अरे महाराज काय को देऊं, भले कैसी भी है पर दूंगी तो अपनी बहू को, भले वो धक्का मारे, आप शब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर जैसी भी है तो बहू। उसी तरह याद आती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, बस उसी में कि ये भली बेकार है अच्छी है पर है तो सब उसी को दूर। कितना प्रेम है आप लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा। ये बुजुर्ग बुजुर्ग माता गजब का प्रेम करती है, अपनी बहू पोता पोती के लिए तो जान निकाल कर रखते, इतना दे देती है, दे दो। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा दूं, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता,
जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता। दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ का जल लगाकर अपने हृदय को गया था विक्रमादित्य, बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी दो अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये मेरी दो अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन ने नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे यहाँ निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता। अब निर्णय देना कोई सरल बात है? हम कई बार बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, कभी भी अपना निर्णय मत देना, तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो परंतु तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो एक ही बात बोलना कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्यों? एक के पक्ष में निर्णय चले गया तो दूसरी रोटी भी नहीं देगी। बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान। कभी मत बोलो कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, समय पर काम कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, दो रोटी मुझे मिल जाती है, दोनों अच्छी। कभी मुंह से मत बोलो कि ये अच्छी कि वो बुरी। गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मरती मर जाना पर अपना निर्णय कभी मत देना, कभी मत। अपनी जीवान कभी मत खोलो और मरती मर जाओ, अपने पास जो पुरानी वाली पेटी है वो कभी मत खोलो ना यार। समझ गए? अरे बोलो तो जम के। अरे ओ जलगांव की जीजियों, समझ गए? और मेरे जीजाओं, समझ गए? दो चीजें इतनी जल्दी बिल्कुल मत खोलो। क्या क्या? अपन ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि बहुएं बहुत सारी आई है, तो इसलिए दो चीजों का स्मरण करना, एक अपनी जीवान ज्यादा नहीं खोलना और एक अपनी पेटी ज्यादा मत खोलना। पेटी में कुछ भी नहीं हो तो यहां से जाती जाती पत्थर उठा के ले अपनी पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो। मरती मर जाना पर मत खोलना, पेटी तो खोलना। दिवाली पर बहुओं से कहा करो, इसको उठाना बेटा इधर रख दे, बहू को लगेगा डोकरी के पास खूब माल है। गुलाब जामुन, गुजिया, पपड़िया, चकली, पूरन पोली खूब खिलाएगी हो। मरती मर जाना पर ना जीवान खोलना ना पेटी।
आखिरी सांस चल रही हो और घर में चार बहुएं हो, चारों को बुला कर कह देना, बेटा अब ये ले चाबी, अब मेरा जाने का समय आ गया और तुम चली जाना। बहुओं पेटी को छुपा के रख देंगी क्योंकि डोकरी मरी है, ननंद हो आएंगी। पेटी ने छुपा कर रख दी, तुम भले चली गई, सास मरने के बाद बहुओं को लगेगा बहुत छोड़ कर गई है, बहुत साल से माल है उसका पेटी में, खूब अच्छे से तुम्हारा 10वां 11वां 12वां 13वां सब अच्छे से होगा। ननंद होन चली जाएंगी, चारों बहुएं खोल पेटी खोलो, और चारों मिलकर जब पेटी खोलेंगी और उनमें से जलगांव का भाटा निकलेगा, करम फूटेगा। अपन तो चले गए, उसके बाद गाली भी दे तो अपने कौन फर्क पड़े, आग लगे बस्ती में, अपन बस्ती में दे दे तो बच्चा। वो तो काम है दुनिया का, देती रहे। दो चीजें मत खोलना कभी अपने मुंह से, ये मत कहना कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, कभी मत बोलो, कभी भी किसी से पाला पड़ सकते। अपन तो सबका गुणगान करो, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने को सबसे कम कभी ना, इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था, यह निर्णय देना पड़ेगा मुझे, मुझे नहीं लगता मुझे निर्णय देना पड़े, यह श्रेष्ठ नहीं है, देव लोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दे, मैं काय को निर्णय दूं। पर बैठ गए, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए, गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता, इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं, निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता, तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा, आप दो। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ, बिच्छू दिख रहे हैं, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापिस लिया, दोनों को दे दिया, ले जाओ ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे, दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया,
राजा विक्रमादित्य ने कहा क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे उस बिच्छू में से दो बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में डाल दिए। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ